पिछले 2 दशक में हमने कई इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन देखे, लेकिन जो मुकाम कपिल शर्मा ने हासिल किया वो किसी और इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन को नसीब नहीं हुआ। कपिल आज देश के सबसे मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियंस में से एक हैं, लेकिन उनके सफलता के पीछे एक बड़ा संघर्ष भी है जिसे पीछे छोड़कर उन्होंने अपने कामयाबी की दास्तान लिखी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कपिल शर्मा के संघर्ष से लेकर भारत के मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन बनने तक की पूरी कहानी बताएंगे। कपिल शर्मा का जन्म 2 अप्रैल 1981 को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। उनका असल नाम कपिल पुंज है, जिसे बाद में कपिल ने बदलकर कपिल शर्मा रख लिया। उनके पिता का नाम जितेंद्र कुमार पुंज और माँ का नाम जनक रानी है। कपिल के एक बड़े भाई और छोटी बहन भी हैं, जिनका नाम अशोक और पूजा है। कपिल के पिता पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, लेकिन 1997 में वो कैंसर नाम की खतरनाक बीमारी के गिरफ्त में आ गए और 2004 में इस बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। पिता के गुजरने के बाद कपिल के बड़े भाई अशोक को उनकी जगह पर नौकरी मिल गई। कपिल का बचपन बड़ी ही संघर्ष में बीता था। बचपन में अपना जेब खर्च निकालने के लिए उन्होंने पीसीओ और लोगों के घरों तक न्यूज़पेपर पहुंचाने का काम भी किया था। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन अमृतसर के द हिंदू कॉलेज से पूरा किया। कॉलेज के दौरान ही कपिल लोगों की खूब मिमिक्री किया करते थे, साथ साथ कॉलेज के बच्चों को थिएटर की ट्रेनिंग देकर वो कुछ पैसे भी कमा लेते थे। वर्ष 2007 में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज की टीम शो के तीसरे सीजन के लिए कंटेस्टेंट की तलाश में अमृतसर पहुंची। कपिल ने भी उस शो के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन वो ऑडिशन में रिजेक्ट हो गए। उसी शो के लिए कपिल के साथी चंदन प्रभाकर ने भी ऑडिशन दिया था और वो उस शो के लिए सेलेक्ट हो गए थे। इसके बाद कपिल ने वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर शो में एंट्री मारी और फिर शो को जीतकर ही वो वापस लौटे। शो जीतने के लिए कपिल को 10 लाख रुपए का इनाम मिला था, जिससे उन्होंने अपनी छोटी बहन पूजा की बड़े धूमधाम से शादी की। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज कपिल के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इस शो की सफलता के बाद कपिल ने सोनी के शो कॉमेडी सर्कस में भाग लिया और वो वहां भी शो के विनर बने। उन्होंने 2008 में उस्तादों का उस्ताद में पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा कपिल ने झलक दिखला जा के 6ठे सीजन को भी होस्ट किया और वे बिग बॉस के अलग अलग सीजन में भी देखे जा चुके हैं। उन्होंने कॉमेडी शो छोटे मियां को भी होस्ट किया है। 2013 में कपिल शर्मा ने अपने बैनर K9 प्रोडक्शंस के तले अपना शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल लॉन्च किया, जो बेहद सफल रहा। कपिल का ये शो 2013 से 2016 तक चला। इसकी खासियत ये थी कि इसकी TRP एक जैसी रही, लोगों ने इसे बहुत पसंद किया तथा इस शो की प्रसिद्धि ने कपिल को कई अवार्ड्स दिलवाए। कपिल शर्मा भारतीय टेलीविजन गेम शो कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 8 के ओपनिंग एपिसोड में गेस्ट की भूमिका में नजर आए थे। वर्ष 2017 में कपिल शर्मा के अपने सहयोगी कलाकार सुनील ग्रोवर के साथ झगड़े की खबर सामने आई। दरअसल कपिल शर्मा अपनी टीम के साथ स्टेज शो के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे और भारत लौटते वक्त फ्लाइट में कुछ ऐसा हुआ जिससे कपिल नाराज हो गए। फ्लाइट में कपिल ने अपने साथी सुनील ग्रोवर के साथ गाली गलौज और मारपीट की। जब सुनील ग्रोवर ने अपने सहयोगी कलाकारों अली असगर और चंदन प्रभाकर को ये बात बताई, तो सुनील के साथ उन्होंने भी कपिल शर्मा के शो में शूटिंग करने से मना कर दिया। बाद में कपिल ने अपने फेसबुक पेज पर सुनील ग्रोवर से माफी मांगी। इसके बदले में सुनील ग्रोवर ने कहा कि वो अपने सहयोगी कलाकारों का सम्मान करें। बात करें उनके फिल्मी करियर की, तो उन्होंने वर्ष 2018 में अब्बास मुस्तान की कॉमेडी फिल्म किस किस को प्यार करूं से फिल्मों में डेब्यू किया था। इसके अलावा उनकी दूसरी फिल्म फिरंगी थी, जो साल 2017 में रिलीज हुई थी। कपिल शर्मा सन ऑफ मनजीत सिंह नाम की एक पंजाबी फिल्म भी प्रोड्यूस कर चुके हैं, जो वर्ष 2018 में रिलीज हुई थी। फिलहाल कपिल 2018 से सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो सीजन 2 से जुड़े हुए हैं। वर्ष 2018 में कपिल ने अपनी गर्लफ्रेंड गिन्नी चतरथ से जलंधर में शादी कर ली। दोनों की एक बेटी है, जो दिसंबर 2019 में पैदा हुई थी। तो ये थी कपिल शर्मा की कहानी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।